back to my channel online classes by Kavita Sachdeva. Today I am here to teach you the topic direction test, which is very important topic for the NTSC, HSSC and SSSC exam. Yes, what is direction test? In direction test, they will judge candidates' ability to understand and find out four directions correctly, and also distance covered while he is moving from the starting position. Starting position से आप किस direction में move कर रहे हैं, आपको ये पूछा जाएगा question में, या फिर आपका distance कितना cover किया, कौन सी direction में, ये पूछा जाएगा. Yes, अब कौन कौन सी directions होती हैं? North, South, East and West. और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट. एंड ईस्ट एंड साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट. एंड और साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट. ओके. एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डायरेक्शंस बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. ओके, नाउ आप अगर मूव करेंगे नॉर्थ से, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है और आप लेफ्ट मूव करेंगे, वेयर इज द लेफ्ट? इधर लेफ्ट होगा. एंड इफ यू मूव राइट फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से राइट जाएंगे तो इधर राइट होगा. ओके, अगर आपका फेस ऐसे ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो आपका लेफ्ट, लेफ्ट किधर होगा? इधर. राइट दिस साइड. ओके, इफ यू आर फेसिंग साउथ लाइक दिस, ओके, साउथ, तो आपका लेफ्ट इधर and right this side. And if you are facing west, if you are facing west like this, okay, then right this direction and left this direction. Okay. Yes, first question is, Ritu is going northwards. She turns right and moves some distance and again turns to her right. After moving some distance, she turns to her left. In which direction now is she going? Ab Ritu kahan ja rahi hai first line mein? Northwards. North kaun si direction thi? Suppose it is the starting point. Suppose A uska kya hai? Starting point, north ja rahi hai wo. ओके, नॉर्थ में मूव कर रही है. शी टर्न्स राइट. अब नॉर्थ है तो आप, आई एम फेसिंग सपोज नॉर्थ, तो मेरा राइट कौन सा है? दिस वन राइट. ओके, शी टर्न्स राइट, मूव सम डिस्टेंस एंड अगेन टर्न्स टू हर राइट. अब नाउ मेरा फेस इधर है तो मेरा राइट कौन सा होगा? दिस वन. ओके, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट. Now move some distance, turns to her right. After moving some distance, she turns to her left. अब now इधर face है, अब उसने left move करना है. My left is this, left move. Now it is B point, it is C point, it is D point. Now अब इस direction में move कर रही है, ठीक है. इन विच डायरेक्शन नाउ इज शी गोइंग, अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? नाउ यू कैन टेल इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग. अब ये कौन सी डायरेक्शन है? इट इज ईस्ट. शी इज मूविंग इन ईस्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर मोहन मूव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन अगेन मूव्स 10 किलोमीटर लेफ्ट, अगेन मूव्स 10 किलोमीटर लेफ्ट. हाउ मच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? मिस्टर मोहन
कहाँ जा रहा है? 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. सपोज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, 10 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ. ओके, सपोज इट इज़ 10 किलोमीटर बी पॉइंट तक गया. देन ईस्ट से वो कहाँ गया? 10 किलोमीटर लेफ्ट. 10 किलोमीटर लेफ्ट, लेफ्ट इज दिस. देन 10 किलोमीटर लेफ्ट. नाउ ही इज़ फेसिंग हेयर. नाउ 10 किलोमीटर अगेन लेफ्ट, मूव्स 10 किलोमीटर लेफ्ट, लेफ्ट 10 किलोमीटर लेफ्ट. हाउ मच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना होगा? नाउ इट इज़ 10, इट इज़ 10. नाउ ये स्क्वायर बन गया. रिमेनिंग साइड इज ए डी, तो ए और डी का डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर. आंसर इज ए डी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉय इज लुकिंग फॉर हिज ब्रदर. ही वेंट 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. एक बॉय अपने ब्रदर को ढूंढ रहा था, वो कहाँ गया? 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. सपोज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. कहाँ गया? 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर. एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट. अब ईस्ट में है फेस, तो उसका लेफ्ट होगा ये वाला, तो वो लेफ्ट में गया कितने किलोमीटर? देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वेंट एज फार एज 3 किलोमीटर. अब कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर. सपोज इट इज़ द सी पॉइंट. ओके, ही फाउंड हिज ब्रदर. अब इस पॉइंट पे उसको उसका ब्रदर मिल गया. वट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मीटिंग पॉइंट? अब जहाँ उसका ब्रदर उसको मिला था सी पॉइंट में और स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों का आपको क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द मीटिंग पॉइंट वेयर ही मीट हिज ब्रदर. ओके, नाउ ये क्या है? राइट एंगल. वो सीधा सीधा गया, इट इज़ द राइट एंगल. ओके, नाउ क्या बन गई ये? राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस को? एन राइट एंगल ट्रायंगल, एन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. नाउ हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या? हाइपोटन्यूज कौन सा होता है? राइट एंगल की ऑपोजिट साइड. राइट एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है? ए सी. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. ए बी कितना है? 4 स्क्वायर प्लस बी सी है 3 स्क्वायर 16 प्लस 9. ओके, ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर एक साइड स्क्वायर है तो अगर हम उसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट. ओके, नाउ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. हाउ यू विल कैलकुलेट? 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर. और स्क्वायर रूट क्या होता है? रेज टू पावर हाफ. रेज टू पावर हाफ. नाउ पावर क्या हो जाती है? ये मल्टीप्लाई. ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. नाउ आंसर विल बी 5. ही इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर ए स्टैंड्स विद हिज फेसिंग पॉइंट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन. उसका फेस कहाँ पर है? मिस्टर ए का उसका फेसिंग पॉइंट है साउथ ईस्ट डायरेक्शन. साउथ ईस्ट डायरेक्शन इनके बीच में है. ओके, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज दिस.
अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे उसका फेस है और ही वॉक 15 मीटर्स. वो कहाँ कितने मीटर मूव कर रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में? 15 मीटर. ओके एंड देन टर्न नॉर्थवर्ड्स. अब 15 मीटर मूव कर लिया उसने तो फिर कहाँ टर्न कर रहा? नॉर्थ, नॉर्थ में टर्न कर रहा है. एंड वॉक अनदर 12 किलोमीटर. अब कितने कितने मीटर मूव कर रहा है? 12 मीटर. हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? अब वो ये स्टार्टिंग पॉइंट था ए, इट इज बी एंड इट इज सी. अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए सी. हाउ वी विल फाइंड? देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. इट इज राइट एंगल ट्रायंगल एन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल डैट सी. तो सी की ऑपोजिट साइड है ए बी. ए बी इज हाइपोटन्यूज. हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटन्यूज क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ओके तो ए बी की वैल्यू है 15 स्क्वायर. बी सी इज 12 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. 15 स्क्वायर इज 225 एंड इट इज 144 इधर प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस. माइनस 144 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ओके 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 4 8, 81 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर उसकी पावर हाफ. तो हम क्या करेंगे? इट विल पावर विल गेट मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा आंसर? 9. ओके ए सी इज इक्वल टू 9 मीटर. नाउ डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज 9 मीटर. Thank you. If you like our video, please press like button and subscribe my channel and share to more and more people.